पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई। दौर के ये दो सुपरस्टार्स हमारे साथ आए हैं, पर दोनों में आप जानते हैं कि कितनी समानताएं हैं। ये दिसंबर में जन्मे तो ये भी दिसंबर में जन्मे, ये मुंबई के जुहू एरिया में रहते हैं तो ये भी मुंबई के जुहू ही एरिया में रहते हैं, ये टोटली सेल्फ मेड सुपरस्टार हैं तो ये भी टोटली सेल्फ मेड सुपरस्टार हैं। इनकी फिल्म आंखें 1968 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और इनकी फिल्म आंखें 1993 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इन्होंने 1961 में शोला और शबनम की थी और इन्होंने 1992 में शोला और शबनम नाम की फिल्म की थी। इन्होंने नौकर बीवी का नाम की फिल्म की थी तो इन्होंने जोरू का गुलाम नाम की फिल्म की थी। धर्म जी ने शिकार नाम की फिल्म की, इन्होंने शिकारी नाम की। गोविंदा जी ने बाज नाम की फिल्म की, इन्होंने बाजी नाम की। दोनों के दोनों को लोग पारस पत्थर मानते थे कि इनको फिल्म में ले लो पिक्चर चल जाएगी। और सबसे बड़ी समानता दोनों में जो है वो ये है कि दोनों की मुस्कुराहट में ऐसी पाकीजगी है कि देखने वाला सारे गम भूल जाता है। और टेलीविजन पर दोनों पहली बार साथ आए हैं क्योंकि ये है हीरोज नंबर वन स्पेशल। इन दोनों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। दिल बहलता है मेरा, क्या बात है। लव यू ऑल, लव यू ऑल। तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा शोला नंबर वन। चलो देश को चले, नाचेंगे, पिएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, इश्क लड़ाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुनीता के वजह से आज ये हो पाया। किसी ने सवाल पूछ लिया था धर्म जी कि जिस वक्त यश पैदा हो रहे थे तो मैं आया घर में और मैं कहा आपकी तस्वीर दी और मैं कहा ऐसा सोना चाहिए ऐसा सुंदर बच्चा चाहिए। So sweet। हालांकि मैं थोड़ा एम्बैरेस फील करता हूँ मगर इनके प्यार की इंतहा है। मंच के माध्यम से पूरे विश्व के लिए ये कहना चाहूँगा कि विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड हिस्टोरिक होने वाला है, ऐतिहासिक। तालियां बजती रहनी चाहिए। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, जिनके अंदर दुनिया की हर किताब पढ़ने की वजह से भरी है ज्ञान की अपार मात्रा। बंगाली टाइग्रेस अनुष्का पात्रा। कक्कर के क्या गाने गाइस, ओ माय गॉड। एंड जिस तरह से परफॉर्म किया है सर ने एक एक गाना, एक एक फिल्म, उफ, मतलब जितनी बातें कहें जितनी तारीफ करें उतना कम है। चलिए सर से ही जानते हैं, सर आपको कैसा लगा हमारी अनुष्का की परफॉर्मेंस, सिंगिंग? कुछ गाने लोग दिल से गाते हैं और कुछ प्यारे लोग रूह से गाते हैं। अपने रूह से गाया है। थैंक यू। मुझे वो मेरी शूटिंग के दिन याद आ गए। आशा पर्दे में से जाके गाती थी बहुत अच्छा, तो मैं देखता पर्दे में से देखता रहता था। लवली सॉन्ग, वेरी वेल सॉन्ग। बहुत ही बढ़िया गाना है और बहुत अच्छा गाई आप, और आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस हद में ऐसे अच्छे गाना गाएंगी। आप, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसे भोली भाली लगती हो तुम, मासूम सी, पर तुम तो मासूम निकली। बहुत बढ़िया गाना गाया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Hello sir. Hi. Looking really good and yeah, looking very good. Thank you sir. May God bless you, bacha. Thank you sir. Be always pink, pink in love. Hi hi. Kya baat hai sir. All the best, Siraj. Singa la la, singa la la, singa la la. Hur hur. Singa la la, singa la la, singa la la. Hur hur. बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सज़ा, हम जो खता कर ना सके। बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। जिंगा ला ला, जिंगा ला ला, जिंगा ला ला। जिंगलाला बूम, जिंगलाला बूम, जिंगलाला बूम। हुर हुर। मेरे दिल में है जोरू, दिल की धड़कन में जोरू, मेरी आँखों में जोरू, सांसों में जोरू। अरे आगे जोरू, पीछे जोरू, दाएं जोरू, बाएं जोरू, जोरू 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 जोरू। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। जोरू का गुलाम, अरे बन के रहूँगा मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। है कसम रब की ना इश्क पूजा करूँ मैं तो दिन रात जोरू की पूजा करो। अरे जोरू मैया की जय हो जय हो। है कसम रब की ना इश्क पूजा करूं मैं तो दिन रात जोरू की पूजा करूं। जोरू बोले तो जागूं, जोरू बोले तो सोऊं, जोरू बोले तो हंस दूं, जोरू बोले तो रोऊं। जोरू के लिए हर सितम अब सहूंगा मैं जोरू का गुलाम, अरे बन के रहूंगा मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। जोरू का गुलाम जो इन्होंने गाया है मुझे इनके साथ वो फील होता है, जेलस फील करने लगा हूँ। गाना मुझे मिलता मैं भी कोशिश करता लेकिन वैसा नहीं कर सकता जैसा गोविंदा करता। गोविंदा में एक अपना अंदाज है तो किसी भी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं। ये तो है। इसकी कॉमेडी ले लो, इसका टाइमिंग, इसका गाना, ये इसी के बस की बात है। आपकी जिस वक्त खिंचाई होती है चिराग तो मुझे ऐसा बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप ये समझिए कि इतने लोगों के बीच में ना आपकी वजह से कितनी एंटरटेनमेंट देखने मिलती है। हाँ, और उस टाइम पे आप ना एक्टिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपका कुछ भी एक्ट नहीं चल रहा होता है जी, परंतु डिस्कशन आपका ही निकलता रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो जिसको बहुत तारीफ से ऊपर वाला फेमस नहीं कर पाता उसे थोड़ा सा काला टिका लगा डालता है। क्या बात है। माइंड ब्लोइंग। धर्मेंद्र जी जैसे रोमांटिक हीरो न भूतो न भविष्यते। देखिए मैं जब शुरू में ही आया था, इंसान व आखिर आँख उठ जाती है खूबसूरती के लिए। किसी की भी कोई खूबसूरत लड़की तो आप चाहे टेढ़ी आँख से देखें सीधी से देखें, देखते ज़रूर हैं, झूठ मत बोलना। तो मैं नेहा को देखा, इतनी नेचुरल स्माइल और इतना नेचुरल अंदाज, बट अब तो मैं इनको एक और नज़र से देखता हूँ, एक और दर्जा देता हूँ, एक और इज्जत सम्मान देता हूँ। लेकिन फिर भी एक्टिंग इज़ एक्टिंग, हम होते कुछ हैं कर जाते हैं स्टेज पे। अगर आप एक्टिंग की बात करते हैं तो वो करके दिखा देता हूँ। जी सर, हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं। आइए आइए। यमला पगला दीवाना। एक्शन। ओह ये हुस्न बेपनाह, ओह ये हुस्न बेपनाह, ओह ये सादगी, पढ़ते ही उन पर झुक गई मेरी नजर, इस डर से कहीं नजर न लग जाए उनको मेरी नजर से। जो आशिक होते हैं झाड़ी पे कपड़ा डाला हो ना वहीं भी बैठ जाएंगे। बाद में पता लगा रहे ये तो झाड़ी थी। चिराग, आपने जजेस के लिए तो बहुत अच्छा गाना गा दिया, बट ये जो जोरू का गुलाम आपने गाया है, आप मेरे लिए जरा दो लाइंस फिर से हो जाए। अरे आगे जोरू पीछे जोरू गाए जोरू पाए जोरू 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 शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। नमस्ते नमस्ते। What a pleasant surprise. अब मैं पीछे तड़प रही हूँ कि मुझे कब आपको मिलेगा। जो sweet my baby, oh my God, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं आपकी इतनी डाइहार्ड फैन हूँ धर्म जी। ओह, मेरा तो बदन कांप रहा है आपको देखके। You're so sweet darling. तो मैं 4-5 साल की थी, तो मैंने बोला डैडी मुझे ना इनसे शादी करना है। डैडी बोले तुम बहुत छोटी है। मैंने नहीं, कितने खूबसूरत है, कितने हैंडसम है, बाप रे बाप। लोग बोलते हैं आपका ये इतना प्यार मेरे लिए, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं उड़ रहा हूँ, कोई जमीन में हूँ, कहाँ हूँ। लोग बोलते हैं औरतों को भगवान ने बैठ के बनाया है, मैं बोलती हूँ भगवान ने बहुत वक्त लेके आपको बनाया है। आपके जैसा सुंदर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तो आपका थोड़ा सा जो है वर्जन मैंने उनको खसीट लिया अपने पास। इसको चीची को मैं भाई कहता हूँ हमेशा ही। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, चिराग ने उनको भी फूल दिया था। अबे फूल मत निकाल। मेरे सामने तूने ट्राई मार दिया। जी सर। ट्राई नहीं सर। अरे ऐसा नहीं करते। माँ को तो छोड़ दे बेटा। एक्चुअली मैं पिछली बारी आपको नहीं दे पाया, तो इसलिए अभी दे रहा था। ऐसा मदर दे रहा है ना। आजा आजा। चिराग, आपने मौसम बदल दिया। वाव। मौसम। आज मौसम हो आज मौसम। अरे ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या। चाहत मेरा चैन चुराएगी तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या। पहले तो मैं ये बता दूं कि बैक स्टेज से जब मैं ये पैनल देख रहा था ऐसा लग रहा था कि कोई मेगा स्टार स्टडेड फिल्म की स्टार कास्ट देख रहा हूं मैं। ओह माय गॉड, सारे के सारे सुपरस्टार्स हैं यहाँ पर। हम कितने लकी हैं यार। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैडम सर क्या गाने हैं आपके, आज भी उतने ही ताजा उतने ही फ्रेश लगते हैं। कुछ गाना ऐसा है कुछ गाया ऐसे गया है। थैंक यू। हिल तो जाते हैं थोड़े बहुत। ये कंबल ये गरम टोपी ये सब ये सूट नहीं करता। आप तो बच्चे हैं छोटे से। मेरी तरफ देखो, मैं आपको ऐसे बड़ी बात नहीं करता। दिले आशिकाना भरा नहीं, प्यासे मोहब्बत बुझी नहीं। आए, आए, आए। आपने ये स्वेटर ये वो रजाई लेके आ जाते कोई ठीक लेकिन अच्छे लग रहे थे उसमें भी आप बहुत प्यारे लगते थे। यू नो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर जो सबसे बड़ा मंच है, सिर्फ टीआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इस मंच को बहुत मान सम्मान देते हैं और उस मान सम्मान की गरिमा को तुमने बिल्कुल बरकरार रखा अपने इस दोनों गानों से। वेरी वेरी वेल सॉन्ग। शिवम यार तू बंदर टोपी में बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे बहुत अच्छे से मासूम से भोले भाले वहाँ पे लग रहे थे, बंदर टोपी में वही बैठा हुआ है। और फिर पता लग गया कि आप देखिए इनकी आप कॉपी भी करते हैं तो आप खूबसूरत लगते हैं। ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, यहाँ वहाँ हर जगह है। दिलीप साहब की और आदरणीय धर्म जी की, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भी इनकी कॉपी भी कर ली वो स्टार हो गए। तो वी आर लकी, वी आर लकी। शिवम जाए उससे पहले ओ मेरी महबूबा धर्मवीर फिल्म से वो आइकॉनिक डायलॉग अगर धर्म जी बोले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ का पूरा माहौल ऑलरेडी। क्या बात कही है सर आपने सर। धर्म जी सर रिक्वेस्ट ऑडियंस। क्या सजा दी जाए? वही जो इस रियासत का कानून है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, और मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ। सर कसम से रोंगटे खड़े हो गए, कसम से। The intensity was unbelievable. आवाज़ और बात, यही डायलॉग अगर चिच्ची भैया भी बोल दे, चिच्ची भैया रिक्वेस्ट। मेरी ऐसी औकात नहीं है कि मैं सामने उनके सामने बैठ के उनके सामने उन्हीं की कॉपी करूं। I'm sorry. अभी देखिए आप जितने लोगों की मैंने कॉपी की है, 3-4 आर्टिस्ट लोग की थी मैंने, एक ही लाइन में सब आर्टिस्ट की थी ना। सेक्रेटरी ना मोहब्बत जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखती सेक्रेटरी, अरे मोहब्बत तो अंधी होती है रे। आज उनके बेटी के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम उन्हें 2-4 पेटी दान कर देंगे और उसके बाद उनका स्टैंडर्ड खुद ब खुद उड़ जाएगा। ये चार कलाकार के एक लाइन में डायलॉग था, मतलब ये पूरा एक ही सांस में कहा गया था। तो ये था, मैं ऐसे किया करता था। जोरदार तालियां, क्या बात है, इनक्रेडिबल। आपके पास वो टोपी का है, टोपी पहन लो, टोपी पहन लो, जल्दी जल्दी से टोपी दे दीजिए उनको। क्या बात है। जैसा कि हम कह रहे थे कि टोपी पहन लो क्योंकि शिवम आपने मौसम बदल दिया। क्या बात है। और अब वो होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हमारे गोविंदा जी धर्मेंद्र सर के गाने पे डांस करेंगे। ओ माय गॉड। जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरदी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, हाय 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 साडे उत्ते। लव यू, लव यू, लव यू। ट्रैक 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 लगाइए। डांस डांस, गोविंदा का डांस। ढूंढा ढूंढा किसी शायर की गजल, ढूंढा किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। आज बहुत सी गुस्ताखियां हो गई है, माफी मांगना चाहूंगा। जब शो में आओ ना, चुम्मा चाटी की करते समझ में नहीं आता है। चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। इस सेट में ना बहुत रोमांस भरा हुआ है। क्या बात है, धरम जी आए इतने रोमांटिक हीरो, फिर जीजी इतना रोमांटिक, मैं तो पागल हो गई। और अब आ रही है K3L यानी कि खुददार कन्या काव्या लिमाए। काव्या, और मैं पीछे से देख रहा था कि धर्म सर जो हैं इस गाने पे क्या झूम रहे थे, क्या एंजॉय कर रहे थे इस परफॉर्मेंस। कोशिश कर रहा था गोविंदा की तरह मुनिया से ऐसे कर। इसका अंदाज अपना ही है यार, मैं क्या बताऊं, रेंज ये तो उसकी देन है, इसका कोई अंत नहीं है। ये जो जितना जितना करते जाएंगे होता जाएगा। इट्स ग्रेट एंड शी संग ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा गाया आपने, मैं सच में जोश में आ गया था। ये आता था जब गाना तो मैं कभी कभी ऐसी इसकी तरह करने की कोशिश करता था। लवली बेटा, थैंक यू सर। वाकई में क्या आइकॉनिक गाना है गोविंदा सर, और क्या परफॉर्मेंस है सर की। एक बार सर की परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनक्रेडिबल सर। हीरो नंबर वन फिल्म का जो गाना गा रही थी आप अभी, इस फिल्म की वजह से, इस फिल्म के टाइटल की वजह से ऐसे मुझे लगा कि मैं कम से कम आधा दर्जन नंबर वन टाइटल की फिल्में करूं, और उसके बाद वो लड़ी लग गई, आधा दर्जन फिल्में हुई नंबर वन की, और फिर उस आधा दर्जन पे ही ठहर गई। मुझे धर्म जी से एक रिक्वेस्ट करना था, प्लीज प्लीज, मैं इतनी बड़ी इनकी फैन हूँ, मुझे थोड़ा 2 स्टेप इनके साथ डांस करना है। छलकाएं आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, छलकाएं आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। तन पे जलवे ये रंग भूखे, ये रंग भूखे, आज जाम में उठे इन होठों को छूके, होठों को छूके, लचकाइए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की शाम, छलकाएं जाम, आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। मेरे सबसे फेवरेट रोमांटिक हीरो के साथ मैंने आज डांस किया, चिच्ची के साथ तो किया था। अब इस बार धर्म जी के साथ कर गए, सफल हो गई मैं। थैंक यू, वी लव यू, माय होल फैमिली। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को। भगवान खामखा जिनसे कहते हैं सोनाक्षी कुछ कर, सोनाक्षी कर। ये दिल कहीं लगता नहीं। सोनाक्षी, आज आपने क्या तैयारी की है? आदि भैया, आज हम इतने बड़े एक्टर्स धर्म जी और गोविंदा जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज मेरा परफॉर्मेंस तो एकदम बेस्ट होनी चाहिए, तो मैंने एक लंबी सांस ली और अपने आप पे पूरा भरोसा किया कि ये परफॉर्मेंस को यादगार बनाएंगे। बिल्कुल सही किया, अपने आप पे फुल भरोसा रखो और शुरू हो जाओ। होना बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। यू नो, जब ऑडियंस ये परफॉर्मेंस सुनेगी ना आपकी टीवी पर, ये परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द सीजन होगी। गॉड ब्लेस यू बाबू, रियली रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे लगा जैसे फिल्म देखी हो, ऐसा गाना गाइए। वो आर्टिस्ट ही क्या जो समा में बन जाए, आर्टिस्ट तो वो है जो समा बांधे। ऐसे खास आर्टिस्ट होते हैं जो गाने में जगह लेते हैं। ये इजी नहीं है ये। आपने सोनाक्षी मौसम बदल दिया। मेरी अपनी तरफ से आज बहुत सी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ, आप आदेश करें कृपया। तो मैं बहुत भयंकर वाला फ़ैन और मैं आदरणीय धर्म जी के कहा, मुझे आदेश आया कि आपके साथ मुलाकात करने के लिए आपके यहाँ पे मैं पहुँचना है। आप ऐसी हस्ती महान, उसके बावजूद ऐसे नरम दिल के साथ कहे, यार पुत्र, यार मेरा एक ना फ्रेंड है, उधर टाइम चंगा नहीं चल रहा है और तेरी लाइन ही जो पिक्चर हिट हो गई है, तू यार उद्दी फिल्म कर ले यार ना। तो मैंने कहा कि सर आपका जो आदेश जो हुकुम है। और जिस वक्त साइन हुई तो उस वक्त मैं बदनाम बहुत था और गरीबी के दौर से आया हुआ था, तो हर आदमी ज़ोर आजमाइश करता था मुझी पे। तो किसी महफिल में एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, वो मुझे बहुत जलील किए जा रहा था, ये समझ के कि ये तो गरीबी के दौर का है, जो दिल में आए जो कह दो कह दो। तो धर्म जी ने दूर से देखा और मैं आज तक भूलता नहीं हूँ, एक आवाज़ आई, कहीं दूर से एक ऐसी निकली आवाज़ आई, अरे खबरदार जो तूने गोविंदा की तरफ देखा, मैं कूटा मत तेनू। मैं बोला यार, शुरू में न्यूकमर को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, सब हमारी सबकी कहानी यही है और हम हो भी जाते हैं, क्या करें। लेकिन मुझे पुरानी खुन्नसें थी इनके साथ, बहुत लोगों के साथ खुन्नसें उभर आई, तो फिर सिलसिला कुछ बच गया। अच्छा, वो दौड़े, वो प्रोड्यूसर भाग गए वहाँ से और कहे कि यार ये गोविंदा से तो धर्म जी बहुत प्रेम करते हैं, इसे आप टच नहीं कर पाएंगे। ये तो कहे कि गोविंदा और धर्मेंद्र गॉड दे बच्चे हैं, समझा तू। मैं जट यमला पगला दीवाना। ये शो एक्चुअली मेरी मम्मी का फेवरेट है, हर हफ्ते कुछ भी हो जाए ये सब कुछ छोड़ के ये शो देखने वाली है। और विनीत और संजुति, बहुत बड़ी फैन है मेरी माँ आप लोग की। ओह माय गॉड, मैंने भी आपके बहुत गाने सुने हैं एंड यू गाइज आर सुपर्ब। यश के आने से ऐसे लगा इफेक्शन का एक सैलाब सा आ गया। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बेटा खूब तरक्की करे, जीते रहें। तो यश, ऐसे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, एक आपकी परफॉर्मेंस तो हम यहाँ देख कर ही रहेंगे। ऑडियंस, अरे देखना चाहते हैं कि नहीं भाई? चिच्ची चलो चलो, सर हो जाए सर, पिताजी और बेटे का परफॉर्मेंस। ना 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 गोरिया ने पागल मुझे किया। Oh my God! एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Yashwardhan and Govinda sir. क्या बात है! It's a historic moment. आज ये जो हुआ है ना, मुझे लगता है हम सब ने यहाँ पर एक सुपरस्टार का जन्म देखा है. यश, हमारे शो को एंजॉय कीजिए. अपनी मम्मी के पास गुड बॉय बन के बैठिए. और मम्मी के पास जो बैठता है उनके पास कोई चॉइस भी नहीं होती है, वो अलग बात है. ज़्यादा बकवास मत कर भाई. अरे सुनीता जी, लव यू सुनीता जी. आपसे एक सवाल पूछना है धर्म जी से रिलेटेड. आपने सर की पहली फिल्म कौन सी देखी थी सर? मेरे पास अल्फाज ही नहीं है. मैं ऐसा दीवाना रहा हूँ आदरणीय धर्म जी का. मैं कई घंटों जो है आपके बंगले के बाहर खड़ा होके एक झलक का इंतज़ार किया करता था कि धर्म जी दिखाई दे जाए, नज़र आ जाए. धर्म जी की फिल्में मैंने कई टाइम देखी हैं. हाय अल्लाह, ऐसा हसीन हीरो, उफ. ओह, मतलब कि मैं हीरोइन की तरफ भी नहीं देखता था तभी. धर्मेंद्र सर ने हमें इस शो पे बताया है कि उनकी इंस्पिरेशन दिलीप कुमार जी हैं, दिलीप साहब. दिलीप साहब के लिए एहतराम है, अक़ीदत है. वो नहीं रहे, उनका जिक्र करने की हिम्मत नहीं होती. लेकिन जितना मैंने दिलीप साहब, राज साहब या देवा साहब, नंद साहब को देखा है, तो इन लोगों को मैं कोई स्कूल तो होता नहीं था, इन्हीं से सीखा जो कुछ. अगर दिलीप साहब का डायलॉग आपकी ज़ुबान से, आपकी ज़ुबानी सुन ले तो सर इससे बड़ी बात नहीं हो सकेगी सर. बहुत देर अगर तुम्हारी तलवारों के लोहे को जंग खा गया है. तो अपनी तोपों को भी आसमान है. मैं अपने निहत्थे इंसानों के खून से तुम्हारी तोपों को तिनके की तरह बहा दूंगा. सर, दो लाइंस अगर आपका वो कौन कंबा खाली. कौन कम्बक है जो जीने के लिए पीता है. मैं तो पीता हूं कि सांस ले सकूं. पे एकदम पहुंचना बहुत मुश्किल है. क्या बात है सर, क्या बात है. धर्म जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. अ लिविंग लेजेंड इन एवरी सेंस. गोविंदा सर, आपने एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज प्लान किया है. जी, ये बहुत ही एक राज है. आदरणीय धर्म जी जो है वो रियल हीरो है हम लोगों के लिए. तो इनकी एक फिल्म में देखा करता था मैं, बहुत मेरे आंसू निकलते थे उस फिल्म में. तो जिस तरह से इन पे जो बीती है उसमें, और जैसे विलन ट्रैप करते हैं इन्हें और ये इतना तंग करते हैं कि मैं थिएटर में रोने लगता था. उस फिल्म का गाना जो है इतना टच करता था कि मैं आज ख़ास तौर पे जैसे पता लगा धर्म जी आ रहे हैं, तो ये उस फिल्म का ये गाना मैं लेके आया हूँ आपके लिए. मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा आपको. अगर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे. हम तुम जुदा ना होंगे, अगर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। पाथर की है लकीरें अहदे वफा हमारे, हरगिज़ न मिट सकेंगे नामो निशा हमारे, चाहत की मंजिलों पर हर सांस ये पुकारे, अगर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच ही हो, जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। मालिक ने अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाली दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया, सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना 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 होंगे। हम तुम जुदा ना होंगे, आपने मौसम बदल दिया संजीती। अब आ रहे हैं विनीत और देबो स्मिता। विनीत और देबो स्मिता का परफॉर्मेंस एक नॉन कंपेटिटिव परफॉर्मेंस है, ये धर्म जी के लिए है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में जाएंगे बगिया से सुंदर वो बन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन होगा। बदरा गए मच गई धूम रे के आया सावन। ओ झूम के आया सावन, झूम के बदरा हो, बदरा छाए के झूमे पर्वत हाय चली पुरवाई। जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई। जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा। कंगना से घूम के आया सावन। ओ झूम के आया सावन, आया सावन, झूम के सावन, झूम आया सावन, झूम के सावन, झूम आया सावन, झूम के सावन। दोनों ही गाने खूब बहुत पॉपुलर हुए और आज आप गा रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मैं फिर उसी माहौल में चला गया हूँ। ये बजरा छाए तो इसमें मुझे डांस करना था, सब प्रोड्यूसर्स की वाइफ्स ये वो उन दोनों बड़ा जुड़ा करती थी, वो सब करके आके बैठ के कुर्सियाँ डाल के अभी धर्मेंद्र नाचेगा। तो मैंने कहा यार क्या है, तो हाउस पाइप से बारिश करते थे ऐसे, तो मैं ऐसे करते करते यूँ कर दिया तो उनके जूड़े वूड़े सब खुल गए। कब ए धर्म ये क्या क्या ये क्या क्या, अरे 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 भाभी जी ये क्या हो गया, वो गई। उसके बाद हम नाचे गए। मैं यहाँ से कह के निकला था कि आप रफ़ी साहब के जिस वक्त आप गाने गाते हैं बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद भी मैंने आपके बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे, बहुत अच्छा गा रहे हो। हम लोग फिल्मों में जो गाने देख रहे थे वो माहौल आप लोग यहाँ कैसे पैदा कर रहे हो, ये मेरे समझ मेरे धर पकड़ के नहीं है मेरी। वाकई ऐसा लग रहा है जैसे फिर वो सिनेमा का माहौल आ गया आज। वाकई बहुत अच्छा, और आप तो बहुत ही अच्छा गाना गाती हो, बहुत बहुत बढ़िया गाना गाती हो। इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू, टू हियर यू। धन्यवाद। थैंक यू देबो स्मिता, थैंक यू विनीत। एक फिल्म की बात करता हूँ, अनिता राजनी, तो ये भाभी का चमचा था। अरे भाभी क्या पराठे बनाया, क्या सब्जी है, हाँ, मैं बोर हो गया। भाभी की तारीफ की जा रहा है, भाई जिसने पढ़ा रहा है जो उसका कोई बात ही नहीं। तो मैंने केला उठाया, ये भी तुम्हारी भाभी ने बनाया। जिस वक्त ये फिल्में मैं कर रहा था आदरणीय धर्म जी के साथ में, तो मैं सुबह सुबह पहुंचा तो मैंने दूर से देखा, इफ़ यू अलाउ मी टू से सर, उस वक्त एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो धर्म जी पे हाथ उठा रहे थे। तो हम लोग सोचने पड़ गए कि ये धर्म जी पे कैसे हाथ उठा सकते हैं, और ऐसे शराफत से ये उनके हाथ से खाए जा रहे थे। तो मुझे इतना प्यार आया, मैं बाहर खड़ा रहा था, मैं रोने लगा। मैंने कहा कि ऐसे आज की तारीख में ऐसे हो सकता है क्या, ऐसा हीरो इससे पहले तो कभी नहीं देखा जो पिता के हाथ से। और कसूर इनका इससे इतना ही था कि ये रात में कह के नहीं आया, मतलब कि मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं में, हाँ। और ऐसे उस एज में जिस वक्त धर्मेंद्र जी से बड़े मतलब के स्टारडम, तो मैं ये सब बच्चे लोगों से ये कहना चाहूँगा जो ये इस मंच के माध्यम से प्रोग्राम देख रहे हैं, कि इस अदब में और इस तमीज़ में जो आर्टिस्ट हुआ करते हैं वही धर्मेंद्र हुआ करते हैं। हाय हाय क्या बात है। और जो मातृ प्रेम के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाते हैं वो गोविंदा हुआ करते हैं। क्या बात है, क्या बात। उस वक्त सने साल या 1.5 साल का हो गया था। फादर होता है यार, फादर तो फादर ही अच्छा बुरा। लेकिन मेरे फादर के जो बड़े भाई थे, शर्म नहीं आती उसको मारते हो तुम बेटे को, तुम्हारा जूता एक जैसा हो गया। तो मेरे फादर ने उनको भी झटक दिया। वो क्या चल तो उधर बैठ, तो मैं रात को लगाई थी तो सुबह। उन दिनों मुझे सब कहते थे यार आप घर में कैसे पचा लेते हो, और यार पचाने का तो पता नहीं सिस्टम है। मेरा पसीना अगर मैं यूँ करके फेंक दूँ वो शराबी हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.